पीटीवी वाइस के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मालहून के बारे में। क्या बार्किन इसको बदले के लिए मार देगा? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा गिहातु के बारे में बात करेंगे। क्या इसको को कैसे भगाएगा? इसके बारे में बहुत ज्यादा नाजरीन जानना चाहते हैं कि क्या ये कैसे भागेगा या फिर उस्मान भी इसको छोड़ेंगे, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा गंगूरबे के भाई के बारे में बात करेंगे कि क्या उसकी सीरियस एंट्री होगी। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे गिहातु की कि क्या गिहातु को कैसे भगाएगा या फिर उस्मान भी इसको खुद छोड़ेंगे। नाजरीन, यहाँ पे हमारी दो राय हैं। एक राय तो ये है कि गिहातु को कैसे भगाया जाएगा। भगाने वाला शख्स गंगूरबे भी हो सकता है या फिर बार्किन, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहेंगे कि उस्मान भी गिहातु को कत्ल करें और उस्मान भी की शोहरत में इजाफा हो। इसी वजह से ये दोनों नहीं चाहेंगे कि गिहातु को उस्मान भी कत्ल करने के बाद शोहरत हासिल कर ले। इसी वजह से इन दोनों में से एक को गिहातु को भगाने की कोशिश कर सकता है। अगर बात करें दूसरी राय की, जो कि पिछली राय से मजबूत है, वो है गिहातु को उस्मान भी खुद छोड़ेंगे। इसके बारे में हम पहले वैसे आगाह कर चुके हैं कि ट्रेलर में ही ऐसा सीन दिखाया गया है जिसे देखने के बाद ये वाजे होता है कि उस्मान भी गिहातु को रिहा करेंगे। नाजरीन, जैसे कि हमने उस्मान भाई को ट्रेलर में गिहातु से मिलते हुए देखा, यकीनन यहाँ पे उस्मान भाई गिहातु को छोड़ने का मुतालबा करेंगे। वो मुतालबा ये हो सकता है कि आर्यन खान की फौज यहाँ पर नहीं आएगी, या फिर इसके अलावा उस्मान भाई को और भी मुतालबा कर सकते हैं, जो कि हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन नाजरीन, ये तो वाजे है कि उस्मान भाई गिहातु को खुद छोड़ेंगे। इसकी वजह एक और भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजन 3 आखिरी लम्हात में चल रहा है, अगर गिहातु यहाँ से भागेगा तो फिर अनगोल किले की फतह दिखानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर गिहातु यहाँ से भागता है तो फिर आर्यन खान की फौज भी यहाँ पर आएगी। इसका मतलब ये है कि उनके साथ उस्मान भाई की बड़ी जंग होगी। लेकिन बुजदाग साहब ऐसा नहीं चाहेंगे। हमारे ख्याल में उस्मान गिहातु को खुद रिहा करेंगे ताकि आर्यन खान की 20,000 फौज को रोक सकें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई उस्मान भी इसको खुद रिहा करेंगे या फिर गिहातु को यहाँ से भगाएगा? इसके बारे में आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें गंगूरबे के भाई की कि क्या उसकी एंट्री होगी, तो नाजरीन बिल्कुल उसकी एंट्री होगी, क्योंकि आलमशाह का करदार खत्म कर दिया गया है और आने वाले एपिसोड में गिहातु को भी रिहा कर दिया जाएगा। तो इससे वाजह है कि अब नए किसी विलन की एंट्री होगी तो फिर यकीनन वो गंगूरबे का भाई ही होगा, जो कि उस्मान भाई के खिलाफ जाल बिछाएगा। और हो सकता है कि उसका इतिहाद बार्किन और निकोला के साथ हो, जो कि ये तीनों मिलकर उस्मान भाई के लिए जाल बिछाएंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग इसके बारे में भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें बार्किन की, बार्किन ने पिछली एपिसोड में कहा कि मैं मालहून को कत्ल करूंगा, क्योंकि बार्किन मालहून से प्यार करता था। इसी वजह से बार्किन मालहून से नफरत करता है और अब यकीनन इसको मारने की कोशिश भी करेगा, जिसके बारे में उसने जिक्र भी किया। पहले तो ये बाला और मालहून के बीच दीवार खड़ी करवाएगा और फिर मालहून को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होगा। हमेशा की तरह उस्मान भाई इसमें कामयाब होंगे। और मालहून के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि बार्किन का खात्मा मालहून के हाथों होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बार्किन मालहून को खत्म करेगा या फिर मालहून बार्किन को खत्म करेगी और अपने वालिद का बदला लेगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग इसके बारे में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।